हेलो, आज अपन बात करते हैं हिपेटाइटिस का जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट, जिसमें कि बचा हुआ था डायग्नोसिस और क्या इसका मैनेजमेंट है। तो आज अपन इस वीडियो में डायग्नोसिस क्या क्या करते हैं और क्या इसका हिपेटाइटिस का मैनेजमेंट है, वो अपन इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिपेटाइटिस हिपेटाइटिस जिसमें कि अपन क्या पढ़ते हैं आज, डायग्नोसिस 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 की बात करें तो डायग्नोसिस मतलब इसका कंफर्मेशन हो जाना, कि जैसे कि डॉक्टर के पास गया तो टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाने के बाद ये टेस्ट में फाइंड आउट हुआ और फिर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है, सी का पेशेंट है, ए का पेशेंट है। तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो अपन इसके लिए परफॉर्म करते हैं, वो अपन आज इस डायग्नोसिस में देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही डायग्नोसिस करते हैं, तो डायग्नोसिस में बात करें तो फर्स्ट अपन करते हैं हिस्ट्री। जैसे ही कोई पर्सन था वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है उसमें डायग्नोस में, हिस्ट्री कलेक्शन करता है। हिस्ट्री में वो उसका नाम पता, कहाँ से हो, इसके साथ साथ आपका कोई फ्यूचर, पहले कोई बीमारी तो नहीं थी, या कोई लीवर से संबंधित या कोई भी बीमारी है, मतलब एनी डिजीज़ जो पास्ट में आपको रह चुकी है, उसके बारे में पूरा हिस्ट्री कलेक्शन करता है ताकि उसके कॉम्प्लिकेशंस को आसानी से जान सके। दूसरा था इसमें जो डॉक्टर करता है, वो फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब फिजिकल को असेस करता है, फिजिकल्स में जो चेंजेस हुआ उनको, उनके बारे में पूछता था, उनको देखता है कि क्या क्या चेंजेस हुआ। जैसे मान लो कि यदि हेपेटाइटिस का है तो फिजिकल चेंजेस करेगा तो उसमें डॉक्टर को फाइंड आउट होगा कि डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा, इसके साथ साथ एक जो पर्सन होगा एकदम थका हुआ, फटीग होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन, और चेक करेगा तो फीवर भी, ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन करके डॉक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट अपन यदि बात करें डायग्नोसिस में, तो थर्ड है इसमें ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट या ब्लड एग्जामिनेशन, यदि ब्लड टेस्ट या एग्जामिनेशन की बात करें तो इसके लिए अपन जो डॉक्टर साहब ब्लड टेस्ट के लिए रेफर करता है, उसमें ब्लड क्या लेबोरेटरी में टेस्ट करके उसका डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोस करने पर यदि मान लो कोई हेपेटाइटिस ए का पेशेंट फाइंड आउट हुआ, हेपेटाइटिस ए, तो उसमें जो ब्लड था उसमें लेबोरेटरी में क्या फाइंड आउट होगा, जो इंक्रीज लेवल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन IgG and IgM। देखिए, यदि ब्लड स्ट्रीम में लेवल IgM और IgG का लेवल इंक्रीज मिलेगा, वो किस पेशेंट में होगा, हेपेटाइटिस ए के पेशेंट में। दूसरी बात करें अपन यदि हेपेटाइटिस बी के पेशेंट में क्या फाइंड आउट होगा, उसमें जो होगा मेनली प्रेजेंस 3 एंटीजन फाइंड आउट होंगे। कौन कौन से, HBs एंटीजन, HBe एंटीजन और HBc एंटीजन। ये तीनों एंटीजन फाइंड आउट होंगे किसमें, हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट में। यदि अपन सी की बात करें, हेपेटाइटिस सी, तो इस पेशेंट में क्या होगा, फाइंड HCV एंटीबॉडी। ब्लड में क्या फाइंड आउट होगा, HCV एंटीबॉडी फाइंड आउट होगा। डी यदि बात करें हेपेटाइटिस डी में, इस पेशेंट में फाइंड HDV एंटीबॉडी, HDV एंटीबॉडी फाइंड आउट, ये डायग्नोस होगा।
तो ये कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिससे कि अपन डिटरमाइन कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस ए के पेशेंट में क्या कौन सा लेवल इंक्रीज होगा, हेपेटाइटिस बी में जैसे 3 एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, यदि सी वाला पेशेंट है तो उसके ब्लड में क्या फाइंड आउट होगा, HCV एंटीबॉडी, और डी वाले में HDV एंटीबॉडीज ये फाइंड आउट होगा। इसी के साथ अपन देखते हैं कि ब्लड टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट के बाद अपन बात करते हैं इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ब्लड टेस्ट हो गया, इसके बाद में LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। क्या करते हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। अब लीवर फंक्शन टेस्ट में मेनली करते क्या अपन में, इसमें जो लीवर एंजाइम का लेवल को असेस करते हैं, लीवर एंजाइम लेवल असेस, जो लीवर के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनके लेवल का असेस किया जाता है कि बढ़ा है कम हुआ, क्या चेंजेस हुआ है। तो मेनली कौन कौन से एंजाइम्स को असेस किया जाता है हेपेटाइटिस में, मेनली 2 एंजाइम्स को अपन असेस करते हैं, कौन कौन से, SGPT जिसका दूसरा नाम है ALT, SGPT और SGOT। तो सबसे पहले बात करते हैं SGPT जिसका दूसरा नाम क्या है, ALT। यदि फुल फॉर्म की बात करें तो सीरम ग्लूटामिक पाइरूविक ट्रांस एमाइलेज, ठीक है। और ALT का फुल फॉर्म हो गया एलेनाइन एमिनो ट्रांसफ्रेज, ठीक है। सबसे पहले कौन सा एंजाइम हो गया, SGPT, सीरम ग्लूटामिक पाइरूविक ट्रांस एमाइलेज या एलेनिन एमाइनो ट्रांसफ्रेज, ये इसका लेवल असेस किया जाता है। अब लेवल की बात करें तो नॉर्मल लेवल इसका कितना होता है, 7 to 56 यूनिट पर लीटर। यदि इसकी फंक्शन की बात करें, फंक्शन मतलब बॉडी में इसका मेन फंक्शन क्या करता है, तो ये क्या करता है, मेनली प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसमें, एनर्जी में। इसका SGPT एंजाइम है वो मेनली क्या काम करता है, जो प्रोटीन्स था प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसमें, एनर्जी में, और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। यदि दूसरे एंजाइम की बात करें, दूसरा एंजाइम SGOT या इसका दूसरा नाम है AST, फुल फॉर्म की बात करें सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो ट्रांस एमाइलेज, AST की बात करें तो एस्प्रेट एमाइनो ट्रांस फ्रेज। नॉर्मल लेवल इसका कितना होता है, लेवल की बात करें तो लेवल होता है इसका 5 to 40 यूनिट पर लीटर। SGOT सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो ट्रांस एमाइलेज या एस्प्रेट एमाइनो ट्रांसफ्रेज, ये इसके फुल फॉर्म होती है। लेवल की बात करें तो लेवल होता है 5 to 14 यूनिट। ये इसका नॉर्मल रेंज है जिसमें LFT में मेनली करते क्या अपन, एंजाइम्स का लेवल असेस करते हैं, मेनली कौन कौन सा, SGPT और SGOT। अब मेनली इनका लेवल इंक्रीज क्यों हो जाता है, ब्लड में इंक्रीज क्यों मिलता है, क्योंकि देखिए ये जैसे लीवर
अब ये एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीवर सेल्स में। अब लीवर सेल्स में मान लो कि यहाँ पर जैसे ये एंजाइम्स प्रेजेंट है, अब जैसे क्या होता है हिपेटाइटिस, जो सेल्स है सेल्स का डिस्ट्रैक्शन हो गया। डिस्ट्रैक्शन होते ही क्या होता है कि जो ये जो एंजाइम था वो सेल से बाहर आ जाता है, बाहर आकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, जिससे कि इनका लेवल इंक्रीज्ड फाइंड आउट होता है। तो ये दो देख लिए अपन ने डायग्नोस। इसके बाद अपन क्या करते हैं इसमें लीवर बायोप्सी, फिफ्थ नंबर है लीवर बायोप्सी। अब बायोप्सी में करते क्या है, मेनली एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें जो लीवर को होता है उसके कुछ सेल्स को सम अमाउंट में कलेक्ट किया जाता है, फिर उसकी लेबोरेटरी टेस्ट कर स्टडी करते हैं कि उसमें कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। मेनली लीवर जो बायोप्सी करते हैं वो अपन फाइंड आउट करते हैं कि कहीं कैंसर में तो कन्वर्ट नहीं हो गया, या मान लो कि सिरोसिस की पॉसिबिलिटी या कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुआ, उसी के लिए अपन लीवर बायोप्सी करते हैं। लीवर बायोप्सी में यदि मान लो अपन पोजीशन की बात करें, पोजीशन मतलब लीवर बायोप्सी प्रोसीजर करते समय जो पर्सन होता है उसको क्या पोजीशन देते हैं, तो फर्स्ट मतलब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग प्रोसीजर अपन कौन सी देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, और आफ्टर एग्जामिनेशन राइट लेटरल, राइट लेटरल पोजीशन देते हैं। देखिए बायोप्सी के दौरान यदि अपन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्रोसीजर की बात करें तो जो पर्सन था उसको लेफ्ट लेटरल लेफ्ट करवट में पोजीशन देकर बायोप्सी कलेक्शन की जाती है, और जैसे कलेक्शन के बाद भी अपन क्या करते हैं जो पोजीशन देती है वो राइट लेटरल राइट साइड में दे दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि उस जो घाव हुआ है उस पर कंप्रेस होने के बाद वो ब्लीडिंग न हो, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए अपन राइट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कुछ डायग्नोसिस थे जो कि अपन परफॉर्म करते हैं हिपेटाइटिस के पेशेंट में, जिसमें मेनली अपन ने 4-5 डायग्नोसिस किए। फर्स्ट था हिस्ट्री, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, तीसरा अपन बात करें यदि तो कुछ ब्लड एग्जामिनेशन किया था, फोर्थ में अपन ने एलएफटी की थी, और लास्ट में लीवर बायोप्सी की थी। अब एग्जामिनेशन डायग्नोस हो गए, डायग्नोस के बाद अपन जो पेशेंट है उसको क्या क्या मैनेजमेंट देते हैं, क्या क्या उसको मैनेजमेंट देते हैं जिससे कि वो जल्दी रिकवर हो सके। तो अब पढ़ते हैं अपन मैनेजमेंट। यदि मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले अपन मैनेजमेंट करते हैं कौन सा, मेडिकल मैनेजमेंट मतलब जिसमें पेशेंट को कुछ मेडिसिंस प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो रिकवर हो सके। यदि हिपेटाइटिस ए एंड ई वाले पेशेंट की बात करें तो ये पेशेंट क्या होता है, कुछ वीक में अपने आप ही रिकवर हो जाते हैं। मतलब ये जो हिपेटाइटिस ए और ई वाले पेशेंट get well soon on self after a few week, कुछ सप्ताह के बाद में ही ए और ई वाले पेशेंट ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। यदि दूसरी अपन बात करें हिपेटाइटिस बी वाले पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिंस देते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिंस हैं जो जनरली प्रोवाइड की जाती है वो है लेमिवुडिन एंड एडिफोविन देते हैं। यदि अपन बात करें हिपेटाइटिस सी वाले पेशेंट को अपन कौन सा मेडिसिंस देते हैं, इसमें जो देते हैं वो पेजेंटर
फेरोन एंड रिबोवेरिन, ये टेबलेट देते हैं, पेजिंटर फेरोन और या रिबोवेरिन टेबलेट कौन से में देते हैं अपन हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट में। यदि बात करें अपन इसके बाद फोर्थ मेडिसिन की, फोर्थ में यदि बात करें तो पीसीएम एंटीडोट, पीसीएम एंटीडोट भी अपन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस का जो अपन ने ड्रग्स पढ़ा था, ड्रग्स में मेनली जो पीसीएम था, उस ड्रग्स की अधिक ओवरडोज लेने की वजह से भी ही हेपेटाइटिस कोज होता है, तो इसलिए अपन हमेशा पीसीएम का एंटीडोट भी देते हैं। और एंटीडोट के रूप में कौन सा देते हैं, एन एसिटाइल सिस्टाइन ये देते हैं। ये मेनली क्या काम करता है, जो अपन ने पैथोफिजियो पढ़ा था कि जो पीसीएम था, पीसीएम का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या था, एनपीक्यूआई, वो एनपीक्यूआई उसको डिक्रीज कौन करता है, एक कंटेंट एंजाइम प्रेजेंट था, प्रोटीन प्रेजेंट था, ग्लूटाथियोन। ये ग्लूटाथियोन ही क्या करता है, जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट था एनपीक्यूआई उसी को एक्सक्रेट करने का काम करता है। तो ये जो पीसीएम एंटीडोट क्या करता है, जो एक्सेसिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट पीसीएम का बना उसी को बाहर निकालने का या एक्सक्रेट करने का काम करता है। इसी के साथ यदि नेक्स्ट अपन पढ़े इसमें मैनेजमेंट में, तो H2 रिसेप्टर भी देते हैं। H2 रिसेप्टर की बात करें, ड्रग ऑफ चॉइस इन हेपेटाइटिस निजाटेडिन, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है यदि हेपेटाइटिस में H2 रिसेप्टर की बात करें तो निजाटेडिन। निजाटेडिन मेनली क्या काम करती है, रिकवर फॉर हिपेटोटॉक्सिटी को रिकवर करता है H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर में कौन सा है, ड्रग ऑफ चॉइस निजाटेडिन। इसी के साथ साथ अपन एक एंटीबायोटिक भी पेशेंट को दे सकते हैं, एंटीबायोटिक में मेनली कौन सी, नियोमाइसिन देते हैं। और नियोमाइसिन मेनली एंटीबायोटिक अपन कब प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि क्रोनिक स्टेज में हो, क्रोनिक हेपेटाइटिस पेशेंट वाले में अपन एंटीबायोटिक प्रोवाइड देते हैं, और मेनली कौन सी देते हैं, नियोमाइसिन। तो ये तो था मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में जैसे ए और ई पेशेंट ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं, बी वाले को नेमिवोडिन तथा एडिफोविन देते हैं, इसी के साथ सी वाले को पेजिंटेफेरोन और रिबोवेरिन देते हैं। एंटीडोट की बात करें तो एनएसिटाइल सिस्टाइन देते हैं। H2 रिसेप्टर में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, निजाटेडिन हो गई, और एंटीबायोटिक के रूप में कौन सा देते हैं, नियोमाइसिन। तो ये तो था कुछ इसका मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद अपन देखते हैं इसमें कौन सा, जनरल मैनेजमेंट, कि जनरल मैनेजमेंट के रूप में अपन इसमें क्या क्या देते हैं। जनरल मैनेजमेंट की बात करें, मतलब जनरल कंडीशन में अपन पेशेंट को क्या क्या एडवाइज या करते हैं या सलाह देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अल्कोहल को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि आप अल्कोहल का सेवन ना करें, क्योंकि अल्कोहल भी एक कोज था किसका, हेपेटाइटिस का। इसी के साथ साथ यदि बात करें अपन स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग, पेशेंट को क्या बोलते हैं कि अपन एडवाइज करते हैं कि स्ट्रिक्टली बार बार हैंड वॉश करते रहो, ताकि जो स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए, ताकि इसके कारण कोई और अदर डिजीज बॉडी में एंट्री नहीं कर जाए। इसी के साथ साथ यदि थर्ड बात करें अपन, प्रोवाइड बेड रेस्ट,
प्रोवाइड बेड रेस्ट। बेड रेस्ट क्यों देते हैं? क्योंकि जो हिपेटाइटिस का पेशेंट होता है वो एकदम फटीग होता है, वीकनेस होती है। वीकनेस क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि जो प्रोटीन्स था उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा। मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि लीवर की जो सेल्स है वो डिस्ट्रैक्शन हो गई, प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही। इसी वजह से पेशेंट जो होता है हेपेटाइटिस का, वो अपने आप को थका हुआ फटीग फील करता है ड्यू टू नॉट प्रॉपरली कंप्लीट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वजह से। यदि बात करें इसमें फोर्थ में, अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इफ कॉन्टैक्ट यूज बैरियर मेथड, कौन सा? कॉन्डोम। देखिए जो पेशेंट है इस हेपेटाइटिस का, उसको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए अवॉइड करें, क्योंकि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी हेपेटाइटिस का मेन कोज था। इफ़ यदि फिर भी वो कॉन्टैक्ट बनाता है तो अपन उसको एडवाइज करें कि बैरियर मेथड है जो कॉन्डोम्स का यूज करें। इसी के साथ साथ फिफ्थ है, फिफ्थ मैनेजमेंट की बात करें इसमें तो इंक्रीज्ड लिक्विड एंड जूस, लिक्विड और जूस ज़्यादा से ज़्यादा ताकि एनर्जी मिल सके। इसके बाद में अपन उसको डाइट, यदि डाइट की बात करें तो डाइट इसमें मेन मैनेजमेंट भी अपन जनरल मान सकते हैं इसमें, क्योंकि डाइट में यदि बोले तो लो फैट, लो प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो हेपेटाइटिस का पेशेंट है उसको मेनली जो डाइट की बात करें, डाइट मैनेजमेंट में, तो उसको कौन सी डाइट देते हैं अपन? लो फैट डाइट देते हैं। क्योंकि फैट क्यों देते हैं? लो फैट क्योंकि जो लीवर की सेल्स जो फैट का मेटाबॉलिज्म करती है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, जिससे कि फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा। लो प्रोटीन, लो प्रोटीन भी क्यों देते हैं? क्योंकि प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा। इसी के साथ साथ अपन हाई कार्बोहाइड्रेट देते हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट क्यों देते हैं? ताकि जो पेशेंट था उसको एनर्जी प्रोवाइड हो सके। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा, इस वजह से एनर्जी मिल नहीं पा रही। इसी वजह से अपन एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराते किससे? हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देकर। तो ये तो था कुछ मैनेजमेंट डाइट का। यदि फैट की अपन यदि इसमें डाइट में बात करें, एक प्रोटीन से जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। प्रोटीन की बात करें तो इसका मेटाबॉलिज्म किस में होता है? अमीनो एसिड और अमोनिया में। अमोनिया और अमोनिया के बाद में यूरिया के रूप में ये एक्सक्रेट हो जाता है। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है अमीनो एसिड और अमोनिया। तो जो लीवर होता है, लीवर के थ्रू ये किस में कन्वर्ट होता है? यूरिया में, बाय लीवर। लीवर इसको किस में कन्वर्ट करता है? अमोनिया को यूरिया के थ्रू एक्सक्रेट आउट करता है। लेकिन यदि हेपेटाइटिस का जो पेशेंट है उसमें लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से बॉडी में जो ये नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट है इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। इनको क्या बोलते हैं अपन? नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट। अब ये नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट की इंक्रीज हो गई, क्योंकि जो अमोनिया था वो यूरिया के थ्रू बाहर नहीं जा पा रहा, क्योंकि आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा। यदि नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट की संख्या क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये एक कोज करते हैं किसका? हिपेटिक इंसेफेलोपैथी भी जिसको बोलते हैं। अब ये नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट क्या करते हैं? ब्लड बैरियर ब्रेन जो चेन होती है उसको क्रॉस कर कहाँ पहुँच जाते हैं? ब्रेन में। और ब्रेन से कहाँ पर? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में पहुंचकर कौन सा कॉम्प्लिकेशन कर देते हैं? हिपेटिक इंसेफेलोपैथी।
जो नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट होते हैं वो कौन सी चेन को क्रॉस कर जाते हैं? बी बी ब्लड बैरियर, ब्रेन को क्रॉस कर कर कहाँ पहुँच जाते हैं? ब्रेन में, ब्रेन से न्यूरॉन्स और क्या कोच करते हैं? हिपेटिक इंसेफेलोपैथी। तो ये तो था जनरल मैनेजमेंट हो गया, जिसमें कि अपन ने क्या क्या देखा कि पेशेंट है अल्कोहल के लिए अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रिक्टली हैंड वॉश करना चाहिए, उसके साथ साथ बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाना चाहिए, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के लिए अवॉइड करवाना चाहिए, और उसके साथ जो डाइट था मेनली डाइट में लो फैट डाइट, लो प्रोटीन डाइट और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो ये अपन ने आज पढ़ा, डायग्नोसिस पढ़ा था और मैनेजमेंट जो कि कम्प्लीटली अपन ने पढ़ लिया। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।